आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। हमारे सामने ये अशोक लेलैंड 5525 इसका मॉडल है और ये गाड़ी अभी यहाँ छाया में खड़ी की हुई है भी है ना। और गाड़ी कुछ देखने में इस तरीके से है, पूरा ट्राला है ये। और इस गाड़ी के जो ड्राइवर हैं वो हमारे साथ हैं। भैया स्वागत है हमारे चैनल पे। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम शिवकरण है। शिवकरण, तो भैया का नाम शिवकरण है और भैया ये गाड़ी चला रहे हैं। भैया कितने टाइम हो गया आपको चलाते हुए? मेरे को हो गए भैया 14-15 महीने हो गए इस गाड़ी। 15 महीने हो गया हाँ। ये और ये गाड़ी कितनी पुरानी है? ये इसको 14-15 महीने हुए। 14-15 महीने ही हुए हैं और गाड़ी को ये चलाते हुए, ये शुरू आज से ही इसी गाड़ी को चला रहे हैं। और वैसे अगर टोटल एक्सपीरियंस की बात करें, टोटल कितना अनुभव है आपको गाड़ी चलाने का? मतलब कितने साल का अनुभव है, कितने साल से गाड़ी चला रहे? मतलब मेरे को 7 साल हो गए। 7 साल हो गए, तो 7 साल से गाड़ी चला रहे हैं। भैया राजस्थान के हैं, तो इस गाड़ी में आपको क्या क्या खूबियाँ लगी? खूबी तो एक ही है सर, इसमें बाकी गाड़ियों में मतलब कि डीजल मतलब ज़्यादा खाती है, वो कोई कम खाती है, लेकिन लेलैंड गाड़ी बड़ी अच्छा तेल खाती है। मतलब इसमें एवरेज एक नंबर एवरेज है। अच्छा, तेल मतलब कम खाती है? हाँ, डीजल कम खाती है। अच्छा, एवरेज का जैसे आप बता रहे थे कि एवरेज तो आपको पता नहीं है कितना दे रही है, तो बड़ी में तो वही है 3.5 का, खाली में 4-4.5। अच्छा, एवरेज दे देती है, चलो बढ़िया। तो इसकी अगर हम लोग कुछ खूबियों की अगर हम बात करें, तो क्या 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 आपको इसकी खूबियाँ क्या क्या लगी? खूबियाँ मतलब क्या क्या अच्छी बातें आपको इस गाड़ी की लगी? तेल तो ठीक है कम खा रही है, वो तो एक अच्छी बात होगी, और क्या चीज़ है? खूबी का मतलब के बार बार मिस्टेक नहीं करती है, पहले वाली गाड़ियाँ मिस्टेक करती थी। आज मिस्टेक किस तरीके से? फालतू कभी मतलब खड़ी नहीं होती है। इसके अलग अलग इसमें कमानियाँ हैं, बाकी यहाँ दिया हुआ है। तेल की टंकी कितने लीटर की होती होगी? 380 की है भैया। 380 लीटर की है? अच्छा, 380 लीटर की तेल की टंकी है। और गाड़ी कुछ इस तरीके से है, राजस्थान की गाड़ी है, बढ़िया। तो इसकी अगर हम लोग कीमत की अगर हम लोग बात करें, तो कितनी कीमत पड़ती होगी इसकी गाड़ी की? हाँ, गाड़ी की तो यही है 32, ये घोड़ा घोड़ा है 32, घोड़ा 32 का है। और बाकी अपना ये जो ट्राला है, हाँ, तो ट्राला जो है आप लगा लीजिए कम से कम। ट्राला कितने का पड़ जाएगा? ये तो सर अब निर्भर है वो, मतलब अब तो कम रेटें भी कम हो जाती है, ज़्यादा भी हो जाती है, हमारे को उतना निर्भर नहीं, लेकिन जहाँ पे ये घोड़ा उठा 31.5 का। हाँ, मतलब 32 लाख के करीब, हाँ, 1.5 साल के करीब हो गया है, 32 लाख में घोड़ा घोड़ा है। बाकी डिपेंड करता है कि आप ये जो है ट्राला कितने में बनवा लेते हैं। तो भाड़े की अगर हम लोग बात करें, थोड़ा सा अगर आप हमारे दर्शकों को बताएं भाड़ा वगैरह कैसे, अगर कोई गाड़ी बनाता है तो कैसे वो भाड़ा वगैरह ले सकता है? हमारे क्या सर ट्रांसपोर्टर है, तो हमारे ट्रांसपोर्टर सारी चीज़ें देखते हैं। हमारे खुद के मोटर मालिक, बड़ी कंपनी है ये, इसमें समथिंग 130 गाड़ी है, जो सेठ जी सारा काम संभालते हैं, सेठ जी ट्रांसपोर्ट होने का सब कुछ होने का। अच्छा, तो 130 गाड़ियाँ बता रहे हैं, बहुत है। तो अकेले ही संभालते हैं या और भी हैं? नहीं, आदमी है ना और। अच्छा, और भी लोग हैं तो 130 गाड़ियों के मालिक हैं भाई, इनके जो ओनर हैं, तो बहुत सारी। तो ज़्यादातर कौन सी गाड़ियाँ हैं इसमें आपके मालिक? सबसे ज़्यादा गाड़ियाँ लेलैंड और टाटा की। लेलैंड और टाटा है? टाटा लेलैंड ज़्यादा है, उससे कम टाटा है। अच्छा, टाटा कम है, लेलैंड ज़्यादा है। लेलैंड ज़्यादा है। लेलैंड के अंदाजन कितनी गाड़ियाँ होंगी? अंदाजन 130 में से 75 गाड़ी इसके पास लेलैंड है, 75 गाड़ी है, बाकी 25 वो ही है, 50-55 के तकरीबन वो है टाटा। तो ये वाले जो ये जो अशोक लेलैंड है, इसमें कौन कौन से मॉडल हैं उनके पास? उनके पास में एक तो ये यूट्रैक ये वाला है, और एक कैप्टन भी है। कैप्टन? हाँ, कैप्टन भी है और ये भी है, और अच्छा, दोनों है। अच्छा, चलो। तो और गाड़ी के बारे में कुछ बताइए, क्या आपको हैंडलिंग के मामले में कैसी है ये गाड़ी जो है, जो चलते समय चलते मतलब के जैसे कि मारुति में चल रहे वैसे लगता है? अच्छा जी, बढ़िया लग रहा। बिल्कुल, खड्डे वड्डे भी आते हैं तो इतने तकलीफ नहीं होती। अच्छा, सही, मतलब के बढ़िया है, आरामदायक है, आरामदायक गाड़ी। अच्छा, और ये इसमें एसी है या नॉन एसी है? नॉन एसी है। नॉन एसी में, तो जैसे भी गर्मियों का मौसम है तो गर्मियों में, तो मौसम में तो पंखा लगा लेते हैं, पंखा लगा हुआ अंदर में, तो उससे हो जाता काम? हो जाता, अलग से पंखा लगा देते हैं। अच्छा, अंदर से पंखा लगा हुआ, चलिए ठीक है। मैं एक बार गाड़ी का आपको और दिखा देता हूँ किस तरीके से गाड़ी का है।
अंदर से गाड़ी कुछ इस तरीके से है, एनोल लगा रखा है। बाकी सामने से अगर हम लोग गाड़ी की बात करें तो सामने से गाड़ी कुछ इस तरीके से है। और एक बार मैं आपको साइड से भी दिखा देता हूँ इसका मॉडल। ये इसका मॉडल नंबर है 5525 AU, गाड़ी बिंदास है। तो अशोक लेलैंड की अब जो गाड़ियाँ आ रही हैं BS6 बता रहे हैं ये कि काफ़ी अच्छी इनको लगी। और अभी ये अजमेर की तरफ भी जाएंगे, अभी अजमेर से आए हैं और अजमेर की तरफ ये दोबारा से अभी जो है जाएंगे और वहाँ पे फिर कुछ कंटेनर वगैरह फिल करके और फिर आगे के लिए इनका सफ़र जो है वो जाएगा। अच्छा, तो जो लोग इस फील्ड में आना चाह रहे हैं, जो लोग ड्राइवर वगैरह बनना चाह रहे हैं, ठीक है, तो उनको आप क्या सलाह दोगे, उनको ड्राइविंग लाइन में आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। जहाँ तक मेरी सोच है, जहाँ तक तो हम भी गलत आए, लेकिन आगे आगे धंधा था इसलिए आगे अब किसी को नहीं आना चाहिए। अच्छा, तो कितनी कमाई वगैरह हो जाती है? ये महीने की हो जाती है 20-25 हज़ार रुपये हो जाती है सैलरी, मतलब यही हो जाती है। अच्छा, ट्रिप मिला के सैलरी मिला के सारा इसमें 25,000 कभी 27,000। अच्छा, 30 तक मान लेते हैं, हो जाता होगा। 30 तक मान लो। ओके, ठीक है। तो कुल मिला के देखिए गाड़ी कुछ इस तरीके की है, बाकी बता रहे हैं ऐसा है। और बाकी इनको ज़्यादा वैसे नॉलेज नहीं है क्योंकि ये केवल गाड़ी चलाने से मतलब है, तो ये ज़्यादा सवालों के जवाब ही नहीं दे पाएंगे। तो ठीक है दर्शकों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तो भैया शुक्रिया, आप हमारे चैनल पर आए, आपने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।